यूके में चोरी देखी ना, दुबई में भी चोरी होती, लोग आपसे झूठ बोलते हैं। ये रही मेरी मर्सिडीज की चाबी, इस वॉलेट के अंदर मेरे तकरीबन 15,000 दिराम है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 3,00,000 रुपए इंडिया के। ये मेरा सेकंड वॉलेट है, मेरे 6 एटीएम कार्ड इसके अंदर है, ये मेरा मोबाइल है और ये मेरी डिटेल है। अब ये मेरी राडो की घड़ी है, ये जरा मेरे कैमरामैन, इस पर टाइम देखो कितना हुआ है, 6 बजे। A few minutes later, अभी आधा घंटा हो गया है, मेरी मीटिंग हुई खत्म। अब गाड़ी में जाके देखते हैं मेरा सामान पड़ा है या चोरी हो गया, जैसे आपके यूके में होता है। ये मेरी बॉटल, चलो इसमें तो मेरे पैसे पूरे हैं। मोबाइल भी पड़ा है, इसमें मेरे 6 कार्ड थे, देखते हैं 1, 2, 3, ये चौथा कार्ड, ये पांचवा कार्ड, 6 कार्ड भी पूरे हैं, इसका मतलब ये भी पैसे पूरे हैं, घड़ी भी पड़ी है। और इधर आओ, टाइम भी दिखाओ भाई को कितना टाइम हुआ है। इसका मतलब है अगर आप किसी भी कंट्री में अभी रह रहे हो, चाहे यूएसए में, चाहे यूके में, चाहे कनाडा में, चाहे इंडिया में, अभी वो कंट्री छोड़ दो, दुबई से सेफ कंट्री कोई भी नहीं है। आने वाले टाइम में लोग आपके घर से सिलेंडर तक चुरा के ले जाएंगे।